अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि कॉस्मिक वाटरप्रूफ पैनकेक मेकअप के बारे में, इसमें मैं आपको डिटेल से बताऊँगी इसे आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में इसे यूज़ करके बताया है कि आप किन तरीक़ों से इसे यूज़ कर सकते हैं। आज मैं डिटेल से बताऊँगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर करना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पैनकेक है, ये ओरिजिनल वाला जो है, इस तरह से इसके ऊपर ये होलो लगा होता है, जैसा कि मैं आपको करीब से दिखा दूं, और इस तरह का होता है। जबकि बैक साइड से मैं आपको, अच्छा, इसकी बैक साइड जो है वो इस तरह की होती है। इसके ऊपर यूज़ करने का तरीका सारा कुछ मेंशन होता है, और ओरिजिनल वाले जो नंबर होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। और इसकी प्राइस और इसे यूज़ करने का तरीका डिटेल से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं, ये है इसका नंबर और ऊपर ही मेंशन है इसकी प्राइस, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। और अब देखते हैं कि इसके अंदर पैनकेक किस तरीके का है, और इसे यूज़ करने का जो है मैं तरीका बताऊंगी, जो आप लॉन्ग लास्टिंग तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं, जिससे ये आपकी जो बेस है ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, वाटर प्रूफ रहेगी। तो ये जो पैनकेक मेरे पास मौजूद है, ये काफ़ी जो है टाइम से मेरे पास है, और इस पर मैंने बहुत ज़्यादा वर्क किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ओरिजिनल की पहचान, ऊपर इस तरह के होलो लगे होते हैं और इसी से इसकी पहचान होती है। और आप देख सकते हैं कि ये जो है मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है, और इसका मैंने बताया है कि आप जो है अगर इसे वाटर प्राइमर, जो वाटर प्राइमर होता है उससे यूज़ करेंगी तो काफ़ी अच्छा वर्क होगा, और आपकी बेस जो है लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। आपको कोई प्राइमर लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि आप सर्दियां जो है वो आ चुकी हैं, तो सर्दियां आ चुकी हैं, तो उसके लिए जो है आप मॉइस्चराइजिंग करके अपने फेस के ऊपर टोनर वगैरह करके उसके बाद ही आप इस तरह की बेस ले सकती हैं। और ये काफ़ी अच्छा वर्क है, और सर्दियों के लिए भी, गर्मियों के लिए भी बड़ा ही लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट है। तो मैं आपको इसकी बैक साइड चेक करवा देती हूँ कि आप ओरिजिनल की पहचान इस तरीके से कर सकती हैं। आपको ईजिली किसी भी लोकल मार्केट से मिल सकता है, तो जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है कॉस्मिक, और इसका जो होलो है वो इस तरीके का लगा होता है, ये देखें। जैसा कि इसकी डिबिया के ऊपर नंबर मेंशन है, और इसकी भी जो है एक्सपायर डेट और नंबर सारा कुछ उसी तरीके से मेंशन है, जैसा कि इसके इस डिब्बे में मेंशन है। तो इसे आप जो है 5-6 तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको भी बताती हूँ। पहले आप नंबर देख लें, इस तरीके से जो इसका नंबर है सेम टू सेम एक जैसा है। बाकी इसे यूज़ करने के जो तरीके हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आप इसे लूज़ पाउडर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कम्पैक्ट पाउडर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और पेंट की तरह जो बेस इस्तेमाल करते हैं उस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप कोई टीवी पेंट स्टिक यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद जो आप कम्पैक्ट पाउडर या लूज़ पाउडर इस्तेमाल करते हैं पसीने को कंट्रोल करने के लिए, तो भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको हर बेस में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका काफ़ी अच्छा वर्क मिलेगा। तो पहले भी मैंने इस पे जो है अलग से वीडियो अपलोड की है, अगर आपने वो चेक नहीं की तो जाकर चेक कर ले मेरी पिछली वीडियो, जो मेरी पुराने वाली वीडियो है, इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी, बहुत ही हेल्पफुल होंगी आपके लिए। तो आप उसे चेक कर लिए, नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़। आप देख सकते हैं होलो।